लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा निर्देश प्राप्त होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय व्यवस्था दुरुस्त कर लिया गया है। इसके लिए इमरजेंसी में मरीजों को आपातकालीन सेवाएं संचालित करने के लिए शनिवार को 12 बेड को सुरक्षित कर दिया गया है। चुनाव के दौरान होने वाली घटनाओं में घायल के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम भी सुनिश्चित कर ली गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, निर्देश प्राप्त हुए हैं शासन से और महानिदेशालय स्तर से कि चिकित्सकों की पर्याप्त सबको निर्देशित कर दिए जाएं कि चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ रखें। चिकित्सालय में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया जा चुका है और मैटर को भी बताया जा चुका है कि हम बेड की खाली रखें, इमरजेंसी में जब भी आवश्यकता पड़े उसके अनुरूप निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।